1971 में राहुल गांधी जी के दादी इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आज 53 साल बीत गए और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं गरीबों के लिए काम करो। पहले उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके परिवार ने और उनकी पार्टी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे और गरीबों को केवल वोट बैंक के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। मोदी जी ने आज गरीब कल्याण के लिए करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया। 25 करोड़ लोग पिछले 10 साल में गरीबी रेखा के से बाहर आए हैं। मोदी जी का पूरा जीवन गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है और इसीलिए भारत देश की जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देने के लिए एक सुनामी के रूप में आगे आ रही है। झारखंड में पीएम मोदी ने कहा है कि झारखंड के कई जिलों में रविवार को शुक्रवार में तब्दील कर दिया गया है, अब विपक्ष ईसाइयों से लड़ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति हिंदी गठबंधन के सभी पार्टियां करती आई हैं। इससे देश को के सामाजिक ताने बाने को, देश के विकास को बहुत गहरा नुकसान हुआ है। भारत देश की जनता इंडी गठबंधन के सभी पार्टियों के तुष्टीकरण की नीति को अच्छी तरह से समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी की नीति को भी समझ रही है कि अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं। और भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, चाहे वो झारखंड की जनता हो, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता हो या देश की जनता जनार्दन हो, सब मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, बेचारे भले आदमी हैं जो गांधी परिवार के कुचक्र में फंस गए हैं और ये दो बार से विपक्ष पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इस बार भी भारत देश की जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो 10% सीटें चाहिए, लगभग 54, वो भी नहीं मिलने जा रही है। भारत देश की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए एक लहर के रूप में नहीं, एक सुनामी के रूप में आगे बढ़ रही है ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके, ऐसा राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया जा सके जो पाकिस्तान और आतंकवादी ताकतों को जवाब दे सके, ऐसा नेतृत्व हमको चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रख सके, ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस कहकर संबोधित करे। भारत देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, भारत देश को सांस्कृतिक रूप से पूरी दुनिया में अपने विचारों को, सकारात्मक विचारों को स्थापित करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। इस बात को भारत देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह समझ रही है, इसलिए एक सुनामी के रूप में मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रहे हैं। अमित शाह ने वीके पांडियन पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि क्या तमिल बाबू ओडिशा चला सकते हैं? वीके पांडियन जी को अगर राजनीति करनी है तो उनको तमिलनाडु जाना चाहिए, वहाँ गांव गली की राजनीति करनी चाहिए, वहाँ धूप और धूल की राजनीति करनी, वे खड़े होकर राजनीति कर... एक मिनट फिर से बोला कट जय दुर्गेश। वीके, अगर पांडियन जी को राजनीति करनी है तो मैंने उड़ीसा में भी कहा था कि उनको तमिलनाडु में जाकर गांव गली में उतरना चाहिए, धूप और धूल में खड़े होकर लोगों के लिए काम करना चाहिए। यहाँ उड़ीसा में वो इसी कमरे में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, हेलीकॉप्टर में अकेले उड़ते हुए, मंचों में अकेले भाषण देते हुए उड़ीसा पर कब्जा करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। इसे उड़ीसा की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी और तमिल सीएम बनाने के उड़ीसा में बीजेडी के षड्यंत्र को उड़ीसा की जनता जरूर जवाब देगी। उनको तमिलनाडु जाकर वहाँ की जनता की सेवा करनी चाहिए। देखिए, 4 जून के बाद कोई कैसा भी फैसला ले, भारत देश के जनता जनार्दन के आशीर्वाद की सुनामी में इंडी गठबंधन के सभी लोग बह जाएंगे और भारत देश की जनता समझती है कि किसके हाथों में नेतृत्व, किसके नेतृत्व में देश का भविष्य सुरक्षित है, इसे नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। बाकी सब बातों का कोई मायने नहीं। अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047, ये विजन डॉक्यूमेंट हम बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। इसका कोऑर्डिनेशन के लिए राज्य नीति आयोग को हमने नोडल एजेंसी बनाया है, जिस जो मेरे विभाग योजना विभाग के अंतर्गत आता है, हम इस पे काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक रोड मैप, एक विजन हम तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आर्थिक पक्षों से भी कहां कहां से हम पैसे
छत्तीसगढ़ के जनता के कल्याण के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, उन सारे पक्षों पर हम मजबूती से काम कर रहे हैं और माओवाद जैसी समस्याओं पर भी एग्रेसिव होकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और बस्तर में इसके परिणाम भी आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। बस्तर में भी माओवाद का खात्मा होगा, अमन चैन स्थापित होगा और बस्तर विकास का एक नया अध्याय लिखेगा और पूरा छत्तीसगढ़ 2047 तक एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।